स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं अमरजीत मैम आपको इन क्लासेस में सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज टैली प्राइम। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जब बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज जो है, जब बिजनेसमैन है वो यूज करते हैं अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि अभी तक आपने जो भी सीखा होगा वो मैनुअल अकाउंटिंग की होगी, मींस मैनुअल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते होंगे। लेकिन जैसे ही किसी भी बिजनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, मींस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो उस काम को मैनुअल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर आज की डेट में वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उस काम को करना इजी हो जाता है। तो आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना बहुत जरूरी है। तो आप अगर एक भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हो, जैसे मैं आपको टैली प्राइम सिखाने वाली हूँ, तो कोई भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर बहुत अच्छी तरह सीख लेते हो तो अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैम, आप पूछोगे कि मैम टैली प्राइम क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि एक तो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम, फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड रीजन ये है कि आपके इन्वायरमेंट में, जैसे एक्सटर्नली कोई भी अकाउंटिंग में चेंजेस आता है या कुछ टैक्सेशन में चेंजेस आता है, तो टैली सॉल्यूशन इसको बहुत ही जल्दी अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, जिससे कि किसी भी बिजनेस एंटिटी की जो रिपोर्टिंग या टैक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो इजिली सेटिस्फाई हो जाती है। एक तो ये रीजन है। सेकंड रीजन ये है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसके सभी फीचर्स को आप देखना कि सीखना बहुत इजी होगा। इसलिए टैली प्राइम जो है एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको सीखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हमें तो टैली ईआरपी किया हुआ है। बेटा, टैली ईआरपी जो था वो पहले यूज होता था, अब जो यूज होगा वो टैली प्राइम होगा। ये टैली सॉल्यूशंस के ही दोनों सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन पहले वो टैली ईआरपी उसका नाम होता था, अब टैली प्राइम है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी टैली ईआरपी यूज कर रही है, तो जो भी चेंजेस होंगे, फर्दर टैक्सेशन में चेंजेस होंगे, किसी भी जो चेंज होंगे वो टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर में नहीं चेंजेस दिखाई देंगे, वो किस में दिखाई देंगे? वो आपके टैली प्राइम में दिखाई देंगे। तो टैली प्राइम ऐसा नहीं है कि टैली ईआरपी से कोई सेपरेट है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स भी डाले गए हैं जो आज की डेट में किसी भी बिजनेस एंटिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो न्यू फीचर्स और जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे इसमें, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, फ्लॉज थी, जैसे कि जो प्रिंटिंग निकलती थी वो हर इनवॉइस की अलग अलग निकलती थी, जिससे बहुत सारे पेजेस जो है वो वेस्ट होते थे, उन्होंने उसको ठीक किया। इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स थे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे टैली ईआरपी, उसको ठीक किया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताती रहूंगी जैसे जैसे हम क्लासेस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैली प्राइम को सीखने के लिए क्या क्या सीखेंगे, मैं इसका सिलेबस क्या होगा आपका, वो भी डिस्कस करती हूँ। पहले आपने इसको करना कैसे है, उसके लिए आपके सिस्टम में टैली प्राइम होना चाहिए। तो टैली प्राइम आप कैसे अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करेंगे? या तो मेरे पेन ड्राइव में सेटअप होगा टैली का, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। अदरवाइज आप अपने सिस्टम में टैली को कोई भी ब्राउजर खोल लो। कैसे करना है? कोई भी, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो, और उसके बाद गूगल सर्च पर चले जाओ और यहाँ पर आप लिखो डाउनलोड टैली प्राइम। बस डाउनलोड टैली प्राइम लिखना है, एंटर करना है। आपको एक लिंक दिखाई देगा और ये टैली सॉल्यूशन का ही लिंक होगा, इसी से ही डाउनलोड करना, किसी और लिंक से नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स वायरस आ जाता है। तो इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मुझे बताइए, आपको कोई एक स्क्रीन नजर आएगा, आप टैली की साइट पर चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर
देखो यहाँ पर टेली प्राइम डाउनलोड रिलीज लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि रिलीज क्या होता है? रिलीज होता है, इसका पहला रिलीज था 1.1.1, राइट। और इसके बाद अब 1.1.2, जैसे यहाँ पर चेंजेस होते जाएंगे, इट मींस कुछ जीएसटी काउंसिल या इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, अपने सॉफ्टवेयर में उसके रिगार्डिंग चेंजेस कर दिए हैं। तो आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी टैली करोगे लेटेस्ट रिलीज पे करना। तो अभी लेटेस्ट रिलीज इतना है, तो हो सकता है वन आफ्टर वन और टू मंथ कुछ चेंजेस हो जाए। तो आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा? आप मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े रहेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आपको लेटेस्ट रिलीज में जो भी न्यू फीचर है, आपको उसका अपडेशन जो है वो सीओसी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, और व्हाट्सएप के थ्रू तो हम एक दूसरे से बात करते ही रहेंगे। चलिए, डाउनलोड करना है पहले आपने, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए मेरे साथ। सबने कर दिया। अब आप देखिए कि आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर एक सेटअप आ गया है। इस सेटअप पर, और यही सेटअप पेन ड्राइव में भी होगा, इस सेटअप पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप सेटअप पर क्लिक करेंगे आपको एक स्क्रीन नजर आएगा। इस स्क्रीन पर यस पर क्लिक करना है, इट मीन्स आप उनको अलाउ कर रहे हो इसको इंस्टॉल करने के लिए। यस पर क्लिक करो। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और स्क्रीन आएगा, कहता है क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर मोर एक्शन या इंस्टॉल। अभी हमें क्या करना है, टैली को इंस्टॉल। बस आप इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया, आपका इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखाएगा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। आपके एप्लीकेशन का नाम मींस आपके सॉफ्टवेयर का नाम ये है, उसका रिलीज ये है, और ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है वो पाथ भी कंप्लीट बताता है। और इसका एक शॉर्टकट आपके कहाँ पर दिखाई देगा, डेस्कटॉप पर। अब यहाँ से या तो आप इसको क्लोज कर दो, राइट, अपने डेस्कटॉप पर देखना आइकन बन गया होगा एक, उस पर क्लिक करो तो भी टैली प्राइम खुल जाएगा। आप स्टार्ट टैली प्राइम पर करेंगे तब भी टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। मैं स्टार्ट पर क्लिक कर रही हूँ, आप भी करिए। तो यहाँ पर हमारा टैली प्राइम जो है वो ओपन हो रहा है। ये कुछ सेकंड्स लेता है, उसके बाद जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए तो आपको एक जो है वो एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जिसमें वो बताएगा कि आपकी कंट्री इंडिया है। अकाउंटिंग मीन्स आपके सिस्टम से उठा लेता है कि आपकी कौन सी कंट्री है, और आपकी जितना भी डेटा, इसमें जो भी आप अपनी कंपनी का डेटा बनाओगे वो सेव कहाँ होगा उसका पाथ है। इसको चेंज कर सकते हो, लेटर ऑन क्लासेस में हम सब कुछ चेंज करना भी सीखेंगे। आज सिर्फ हम इंस्टॉल करना कि इसमें कैसे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। आप इसको क्या कर लोगे, जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है आप बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए एक्सेप्ट के साथ ना ए लिखा हुआ है, या तो इस पर क्लिक कर दो या ए प्रेस कर दो, दोनों से ही एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया आपके सामने एक और बॉक्स आया, इसका मतलब है कि आप इसको एजुकेशनल मोड में चलाना चाहते हो। टैली प्राइम का जो एजुकेशनल मोड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्टूडेंट्स सीखने के लिए इसको बाय तो नहीं करेंगे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है। तो अगर आपने सीखना है टैली को तो आप एजुकेशनल मोड को यूज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक्चुअल अकाउंटिंग अब करनी है तो आप इसका जो है लाइसेंस वर्जन लेंगे। तो अभी तो आपने सीखना ही है, तो आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिर, मींस कोई बाय क्यों करेगा इसको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रीजन ये है कि जब हम एजुकेशनल मोड में काम करते हैं फीचर तो हम सारे ही सीख सकते हैं, लेकिन जो डेट्स होती हैं, जैसे अप्रैल है, अप्रैल की जो डेट्स होगी या मई की डेट्स होंगी वो फर्स्ट और लास्ट डेट ही मंथ की जो है रिकॉर्ड होती है, बीच की डेट्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बस एक डेट्स का जो है वो प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज जितने फीचर्स हैं बहुत इजीली यहाँ पर आप सीख सकते हो, क्योंकि अब जो कंपनी है उसको तो डेट वाइज ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तभी तो उसको पता चलेगा कि इस क्रेडिटर से मैंने कब परचेज की थी, इस डेटर्स को मैंने कब सेल की थी, कितने दिन हो गए,
वो डेज तो तब काउंट होंगे जब हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉपर डेट डलेगी। इसलिए बिजनेस पर्पस है तो फिर लाइसेंस बाय कीजिए। अगर आपने सीखना है तो एजुकेशनल मोड पर भी सारे फीचर्स सीखे जा सकते हैं। तो लाइसेंस बाय करने के लिए आपको इसकी साइट पर ही जाओ, जहाँ से हमने डाउनलोड किया उसके ऊपर जो है वो दिखाता है बाय इट, तो वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ से टैली को बाय कर सकते हो। तो अभी हम कोई भी लाइसेंस वर्जन नहीं यूज कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन। तो एजुकेशनल पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एजुकेशनल वर्जन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। आपका ये ब्लैंक होगा, मेरे यहाँ पर टेल कंपनी बनी होगी बट स्क्रीन यही होगा आपका। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करती है, आप उसकी अकाउंटिंग करना चाहते हो किसी भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम से, तो पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट डिटेल इसमें सेव करोगे कि किस कंपनी का आप पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसमें जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो पहले वो कंपनी का पूरा डेटा क्रिएट करो। तो क्रिएट कंपनी, आपको सिर्फ एक बार डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, बार बार वो नहीं पूछेगा। तो क्रिएट कंपनी पर जाइए, एरो की से जाना है। देखो एरो की है ना आपके कीबोर्ड में। मैं आपको ना कीबोर्ड के थोड़े से कीज के बारे में पहले बता दूं। आपका ऑन स्क्रीन एक कीबोर्ड होता है, मैं उससे समझा देती हूँ। देखिए ऐसा कुछ कीबोर्ड होता है आपका, राइट। यहाँ पर कीबोर्ड पर एरो कीज होती है। अब टैली में अप डाउन, आपका राइट, आपका राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो ये सारे एरो कीज से आप जाओगे। जब मैं कंट्रोल बोलूं तो यहाँ पर CTRL लिखा है वो कंट्रोल होता है, ALT ऑल्ट होता है, तो ऑल्ट बोलूं तो ये वाली की, कंट्रोल बोलूं तो ये वाली की आपकी प्रेस होती है। और यहाँ एक की होती है बैकस्पेस, और हमारे जो कीबोर्ड होते हैं वहाँ बैकस्पेस लिखा होता है, यहाँ तो क्रॉस डाला हुआ है। आप देखो आपके यहाँ पर डिलीट की के इधर एक बैकस्पेस की होगी, एक होती है एंटर की, एक होती है शिफ्ट की, ये कीज हैं आपकी कुछ। एस्केप ऐसी होगी, बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पर एस्केप की होगी। ये आपके कीबोर्ड के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब मैंने एरो की से मैं ऊपर नीचे गई हूँ, एरो की जो है ना उससे ऊपर नीचे जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप कंपनी को क्रिएट करेंगे, जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें बोलेगा कि आपकी कंपनी जो भी सेव होगी वो इस पाथ पर होगी। सी में यूजर नाम का फोल्डर होगा, उसमें पब्लिक होगा टैली प्राइम। इसको चेंज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। अभी हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कौन सी कंपनी क्रिएट करनी है, आपको एक बुक मिलेगी टैली प्राइम की, राइट। उसमें मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए कंपनी COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आप हर कंपनी के साथ ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इटमीन्स आपको याद रहेगा कि ये कंपनी हमने फर्स्ट क्लास में बनाई थी। फिर उसका मैंने एड्रेस दिया हुआ है सारा, फिर उसका ईमेल और वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है। तो चलिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। देखो मैं दो एप्लीकेशन, ये बुक खुली है ना, अब मैं बैक पर टैली में जाऊंगी। मैं पता कैसे जाती हूँ, ऑल्ट की अभी बताया था, ऑल्ट प्रेस करके रखो टैब, दूसरी एप्लीकेशन में चले जाते हो। मींस आपको अपने सिस्टम में दो एप्लीकेशन में नेविगेट करना है, स्विच करना है, तो ऑल्ट टैब की प्रेस करो। तो कंपनी का नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ, COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप भी मेरे साथ काम करते जाइए। अगर आपको लगता है कि मैम ने पहले लिख दिया तो पॉज करिए, लिखिए, फिर आगे जाइए, ठीक है। मेलिंग एड्रेस में जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, और मेलिंग एड्रेस उस कंपनी का ही नेम लेगा। एंटर करिए, अब एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर। यहाँ मैं एड्रेस इसका डाल देती हूँ, फ्लोर 12, जैसे मैं डाल रही हूँ आप भी डालते जाइए। आइटम आपकी बुक में लिखा होगा जी सारा। देखिए अगर आपने एंटर करते हो ना नेक्स्ट लाइन, मींस एड्रेस जो होता है ऑब्वियसली 2-3 लाइंस का होता है, तो ये इतना स्पेस देता है।
सेक्टर दे दिया मैंने, उसके बाद यहां पर एंटर 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 करते जैसे मैं आई तो स्टेट पूछ रहा है। अब नोएडा तो उत्तर प्रदेश में है, देखो जैसे यहाँ स्टेट के सामने आएगा ना, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स आपको नजर आ जाएंगे, तो आपको जो अपनी स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो यू प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर यू से स्टार्ट होने वाली सारी स्टेट्स हाईलाइट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने एरो की से ऊपर नीचे जाके मैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, एंटर प्रेस करिए, राइट। अच्छा, हो सकता है आपसे कोई स्टेट गलत हो जाए तो क्या करना है, एरो की बताई ना, ऊपर जाना है ना, तो एरो की पर जाइए, एरो की। तो आपने जैसे ही इंडिया इंडिया जहां पर सिलेक्ट किया तो आप एंटर करोगे, नीचे ऊपर जाना है तो एरो की से ऊपर जाएंगे, और आगे आगे जाना है तो आप बैकस्पेस को प्रेस करोगे, बैकस्पेस प्रेस करते 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 देखो ऊपर आ रहे, एंटर करते 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 नीचे आ रहे, राइट। तो यहां पर जब एरो की करते हैं, अपर एरो की करते हैं, तो फिर अब एरो की प्रेस करोगे तो इनके बीच में वो क्या करेगा, नेविगेट करेगा। एंटर करिए, पिन कोड देना है, पिन कोड मैंने वहां पर लिखा हुआ है, आप पिन कोड दे दीजिए। आपको पता है ना आपके घर का भी एक पिन कोड होगा, तो आप वो वाला पिन कोड, यहाँ पर मैं पिन कोड दे देती हूँ 110089। टेलीफोन नंबर मेरे साथ ही दे दीजिए, चाहे जो मैं लिख रही हूँ वही वाला नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आपको एक बार ही अपनी कंपनी की कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, बार बार नहीं देनी पड़ेगी। आपने जो भी आपकी बुक में टेलीफोन नंबर है आप वो लिख लीजिए, या अपने से भी कोई लिख सकते हैं, ठीक है। अब फैक्स है, फैक्स आजकल नहीं इतना यूज होता, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं यूज होता, क्यों, क्योंकि ईमेल के थ्रू हम एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ईमेल डाल रही हूँ, मैंने ईमेल डाल दिया मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल होगा आपने यहाँ पर वो लिख देना है। मैंने ईमेल डाला, उसके बाद मैंने वेबसाइट डाल दी। आप मेरे साथ, आपको कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही उस कंपनी का इनवॉइस प्रिंट होगा वो सेल करेगा, इनवॉइस प्रिंट होगा तो आप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इनवॉइस में ये सारी डिटेल होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, उसके टेलीफोन नंबर, उसका क्या साइट है, उसका क्या ईमेल आईडी है, वो सारा कुछ इनवॉइस पे आता है। तो बार बार नहीं लिखते हम, एक बार जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं एक बार देते हैं। अब जो मैं डेटा क्रिएट कर रही हूँ ना, इसको मास्टर डेटा बोलते हैं। मास्टर डेटा वो होता है जो सिर्फ आपको उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक बार फीड करना पड़ता है। हाँ, बाद में कुछ चेंजेस हो तो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सब चीजें बार बार थोड़ी चेंज होंगी, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस रोज चेंज होता होगा, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की साइट रोज चेंज होती होगी, नहीं। तो इस सारे डेटा को मैं मास्टर डेटा बोलती हूँ, ये एक बार आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एंटर एंटर करते आइए, फिर पूछेगा फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है कि इंडिया में जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल उसने ऑटो में ले लिया है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, वो क्या होता है कि मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जो मेरी बुक्स है उस दिन स्टार्ट होंगी जिस दिन मैंने कंपनी स्टार्ट की है। मीन्स आज मैं कंपनी स्टार्ट करती हूँ फरवरी में, तो मेरी बुक्स कब स्टार्ट होंगी, आज की डेट में। फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल होगा, लेकिन बुक्स आपकी जो है चेंज हो सकती है अगर आपकी कंपनी किसी ईयर के बीच में, उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में स्टार्ट हुई हो। आपके जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इन मंथ्स के बीच में कहीं कंपनी स्टार्ट होती है तो वो डेट आपने बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में लिखनी है, ठीक है। चलिए अभी मैं मान लेती हूँ कि 1 अप्रैल को ही मेरी बुक्स भी बिगनिंग होंगी, क्योंकि मेरी कंपनी 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। फिर बेस करेंसी सिंबल, हम अपना इंडिया में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, यही रहने दीजिए। फॉर्मल नेम हम क्या बोलते हैं, हमारी करेंसी का फॉर्मल नेम क्या, INR, मींस इंडियन रुपीस। ये अपने आप ले लेगा ये सारी सेटिंग्स, बस आपको एंटर एंटर करते जाना है।
जब आप ये सारा डेटा फीड कर देंगे तो एंड में आपको यहाँ पर देखिए आपको दिखाता है एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस कीजिए या एंटर ही प्रेस कर दीजिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये सारा डेटा, मीन्स आपकी ये कंपनी बन जाएगी। अगर एन प्रेस करेंगे तो ये सारा जो भी आपने कंपनी बनाई है ये कंपनी नहीं बनेगी, फिर दोबारा से वो यहीं पर चला जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है तो आपने एंटर कर दिया, आपकी कंपनी बन गई। जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगी आपके सामने कुछ फीचर्स आएंगे, तो यहाँ पर शो मोर फीचर्स नो लिखा हुआ है, एरो की से ऊपर आइए आगे, ठीक है, एरो की से यहाँ से यस, डाउन एरो की यस पर आगे एंटर प्रेस कीजिए। देखिए कितने सारे और फीचर्स आ गए, अब इसको भी करना है मुझे यस, फिर एरो की से ऊपर आइए, यहाँ पर आ गया, अब एरो की से नीचे आइए, इस पर आइए एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए सारे फीचर्स, अब आपकी टैली में हमने क्या सीखना है ये यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, आपको ये सारे फीचर्स सीखने, वन बाय वन हम ये सारे फीचर्स को सीखेंगे। क्या क्या सीखना है, आपने अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो करना सीखना है, उनका बिल बाय बिल, कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फिर किसी कंपनी में स्टॉक कैसे मेंटेन होता है वो भी सीखेंगे, इवन जॉब कॉस्टिंग भी सीखेंगे। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपोनेंट बनाती हूँ लेकिन उस कंपोनेंट पर जो कलरिंग होती है वो किसी और से करवाती हूँ, मैं बनाया तो मैंने ही है, सिर्फ उसका कुछ सर्विस का पार्ट मैं किसी और से करवा रही हूँ, अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देती हूँ मैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी वो भी हम टैली में सीखेंगे। मीन्स आपका सारा स्टॉक मेंटेन करना, आपका कंप्लीट अकाउंटिंग करना, आपका टैक्सेशन पार्ट जितना भी है, जीएसटी हो गया, चाहे वो आपका इनकम टैक्स का टीडीएस हो गया वो कैसे कैलकुलेट होता है, आपका सैलरी कैसे मेंटेन करते हैं टैली में पेरोल का, और ऐसे ही कुछ और फीचर्स भी हैं, मीन्स जितने ऑडिटिंग टूल्स होते हैं, बैंक रिकंसिलेशन होता है, ये सारे के सारे फीचर्स आपको वन बाय वन टैली की क्लासेस में सिखाए जाएंगे, ठीक है, ये आपका सारा सिलेबस रहेगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आपको मेंटेन अकाउंट सिर्फ इस फीचर्स को यस करना है, बाकी सारे फीचर्स को आप नो कर दीजिए। जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ती जाएंगी वन बाय वन ये सारे फीचर ऑन होते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो इन सभी फीचर्स को ऑन करके आपने प्रोजेक्ट टेक करना है, ठीक है। चलिए आपने इसको यस रखना है, एंटर कर दीजिए, इसको नो करना है, एन प्रेस करिए और एंटर कर दीजिए, नो आ जाएगा। बाकी जितने भी एंटर एंटर करते फीचर्स में आइए, एन प्रेस कीजिए नो, एन प्रेस कीजिए नो, एंटर एंटर करते आ जाइए, आपके पास सारे फीचर्स पर आता जाएगा वो, बस एंटर एंटर करिए, एंड में एक्सेप्ट का एक बॉक्स आएगा, एंटर कर दीजिए, आपका कंपनी बन गई, कंपनी का नेम आ जाएगा इधर, इसमें अभी कोई एंट्री हमने नहीं की है, और दिस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली, ये गेटवे ऑफ टैली है। आपका टैली प्राइम का जो स्क्रीन है वो ऐसा नजर आता है, टैली ईआरपी का स्क्रीन जो है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आता था, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसमें क्या है, आपको उसके टैली ईआरपी में नीचे कैलकुलेटर आता था, इसमें नहीं आता, इसमें भी कैलकुलेटर आएगा लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता, अगर आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर नीचे दिखाई देना शुरू हो जाता है। कंट्रोल की बताई ना मैंने अभी, कंट्रोल प्रेस करके रखना, एन प्रेस करो, नीचे कैलकुलेटर आ जाएगा। मीन्स आपने कोई कैलकुलेशन करनी है ना, मुझे देखना है कि 8000 पर मल्टीप्लाई बाय उसका 19% कितना होता है, एंटर किया, देखिए ये कैलकुलेशन हो गई आपकी, आपने इस कैलकुलेटर से बाहर आना है। कैसे आएंगे, कंट्रोल प्लस एन, पहले यहाँ पर वो फीचर ऑन ही होता था, मीन्स फालतू की एक स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखी थी, तो ऐसे कुछ चेंजेस है जो इन्होंने कर रखे, उसमें ये फीचर नहीं होता था गो टू, इसमें ये फीचर्स भी है और बहुत ही जबरदस्त फीचर है, सीखेंगे इससे क्या होगा। ओके, ये आपके टैली प्राइम का फर्स्ट स्क्रीन, आपको ये सारा मास्टर्स, आपके देखिए कुछ ब्लॉक्स हैं, मास्टर का ब्लॉक है, ट्रांजेक्शन का, यूटिलिटीज, रिपोर्ट, डिस्प्ले और क्विट। आप क्यू प्रेस करेंगे तो टैली से बाहर चले जाएंगे, क्यू प्रेस कीजिए, कहता क्विट करना है, वाई प्रेस कर
करेंगे तो किट हो जाएंगे, एन प्रेस करेंगे तो नहीं होगा, एन प्रेस कर दीजिए आ गया। दिस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ टैली। जब भी मैं बोलूं गेटवे ऑफ टैली पर आइए तो इट मीन्स मैं इस स्क्रीन की बात कर रही हूँ। आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी करंट डेट है 1 अप्रैल। देखिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 को ये फाइनेंशियल ईयर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक तो इसकी लुक एंड फील में भी डिफरेंस है टैली ईआरपी से, और इसमें न्यू फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट किए हैं और बहुत ही अच्छे है, इजी भी कर दिया है, बहुत सारे फीचर्स को इसने इजी भी किया है। चलिए अब आपने इसमें एंट्री करनी है। देखिए एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। मैं आपको आपकी बुक में ले जाती हूँ, मैं इसमें कुछ बातें आपसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे बताइए आपने आज तक जो अकाउंटिंग की है कैसे की है वो अकाउंटिंग? आप क्या करते हो, आप पहले क्या वाउचर जो भी आपकी इनवॉइसेस होती हैं उनको देख के जर्नल एंट्रीज पास कर देते हो? ऐसा ही काम किया होगा आपने, राइट? अच्छा, फिर जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप उनके लेजर्स क्रिएट करते होंगे, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाते होंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते होंगे जिसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट आता होगा। तो आपकी मेन दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, एक P&L बनता है, एक बैलेंस शीट। देखो जर्नल एंट्री आप जब पास करते हो तो जर्नल एंट्री से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं पता चलता। जर्नल एंट्री से मुझे ये नहीं पता चलता कि टोटल मेरी कंपनी में कितने एसेट्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए आपको P&L और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। P&L आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, जबकि बैलेंस शीट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, मींस मेरी कितनी एसेट्स हैं और मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं। ये काम आपने मैन्युअली किया है आज तक, अब क्या करना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने बहुत इजी कर दिया। अब आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, रेस्ट ऑफ वर्क लेजर्स ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L ये अपने आप बनते जाएंगे। ये कैसे होगा एक बार समझिए इस बात को। देखिए आप मुझे बताइए जो P&L बनता है, दो मिनट, P&L में इधर आप क्या डालते हो, परचेस, यहां पर सेल, यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ये आ जाता है, फिर यहां पर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे ही बनता है। ये कुछ हेड्स होते हैं जो P&L के होते हैं। आपके बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट के भी ऐसे ही कुछ हेड्स होते होंगे, क्या होते हैं, यहां कंप्लीट आपकी कैपिटल दिखाता है, फिर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिखाता है, फिर आपकी करंट लायबिलिटीज दिखाता है, इधर आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इधर आपके करंट एसेट्स। ये कुछ हेड्स होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। आपको मैम ये क्यों बता रहे हो, देखो समझो बात, मेरी बात सुनो। जब आप टैली में जर्नल एंट्री पास करोगे, मान लीजिए आज मैंने ABC लिमिटेड से कुछ गुड्स परचेज किए, एंट्री क्या होगी बताओ, परचेज की है तो परचेज मेरा डेबिट हो जाएगा टू ABC लिमिटेड। आपको पता, आपको टैली को बताना पड़ेगा कि जो आपने जर्नल एंट्री पास की है इस परचेज का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये परचेज की नेचर क्या है, ABC की नेचर क्या है, किस हेड के अंडर आएगा, मुझे बताओ ABC लिमिटेड किस हेड के अंडर आता है, ये मेरा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो एक बार, पहली बार जब आप ABC लिमिटेड से कोई भी ट्रांजेक्शन करते होगे, फर्स्ट टाइम आपको टैली को बताना पड़ेगा कि जब भी आप ABC की एंट्री करोगे तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाए, सन्ड्री क्रेडिटर में। एक बार ये डेटा आपको फीड करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ABC के साथ ट्रांजेक्शन करूंगी, मैं ऑलरेडी टैली को बता चुकी हूँ कि ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जैसे ही आप टैली को बताओगे कि ये सन्ड्री क्रेडिटर है, वो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट कहाँ ले जाएगा, आपकी करंट लायबिलिटी, मींस करंट लायबिलिटी के अंडर आपको सन्ड्री क्रेडिटर ABC लिमिटेड दिखाई देगा।
समझ आई? ये फर्स्ट टाइम जब आप एंट्री कर रहे हो किसी भी लेजर की, जैसे परचेज है, अब आपको टैली को बताना पड़ेगा कि परचेज का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, परचेज का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो टैली में फर्स्ट टाइम आप परचेज का एक लेजर क्रिएट करेंगे, बताओगे कि जब भी इसकी एंट्री पास होगी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा। और जैसे आप करते हो, मान लीजिए आपने रेंट पे किया, तो रेंट टू कैश, अब रेंट की एंट्री कहाँ जाएगी, रेंट किस नेचर का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आप टैली को बताओगे कि रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसका इम्पैक्ट वो अपने आप यहाँ पर ले आएगा। मीन्स आपको प्रॉपर हेड चूज करने पड़ेंगे कि आप जो भी एंट्री कर रहे हो उसका इम्पैक्ट टैली में आएगा कहाँ पर। बस ये बात, ये चीजें आपने करनी है, ठीक है? ये आपने बताना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा। चलिए सीधा अभी मैं टैली पर ले चलती हूँ आपको। देखिए देखिए बच्चे, आप टैली अगर अच्छी तरह कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके सीवी को तो जबरदस्त बनाएगा ही बनाएगा। आप अपने सीवी में लिख सकते हो कि आपको ये अकाउंटिंग या टैक्सेशन के फीचर्स जो है वो सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी तरह आते हैं। आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट अलॉन्ग विद दैट आपके स्टडी में भी हेल्प करेगा। मीन्स अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हो आप ये टैली सॉफ्टवेयर, तो आपको इसका GST हो गया, आपको TDS हो गया, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा, जिससे आपको अपनी स्टडी में मतलब वो चीजें समझने में बहुत इजी फील होगा। तो टैली सिर्फ आपके ये नहीं है कि आपने जॉब करनी तब भी सीखना है, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो ना उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए जब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, आप कॉन्सेप्चुअली समझते जाओगे कि यार इसका इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है, देन यू रियलाइज कितना हेल्प करता है ये आपकी स्टडी में भी और आपकी जॉब में भी। चलिए आपका गेटवे ऑफ टैली पर आगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपने एंट्री करनी है आपको पहले टैली को बताना होता है कि इस हेड का इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा। बुक में आपको आज मैं करवाने लगी हूँ ये 6 एंट्रीज करवाऊंगी आपको। ये कंपनी तो हमने क्रिएट कर ली, वो सिखा दी मैंने, ये आपको 6 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री बताओ जल्दी से, कैश टू कैपिटल, वेरी गुड। जो कैश लेजर होता है ना ये टैली में ऑलरेडी बना होता है, ये नहीं बनाना, बाकी सारे लेजर्स बनाने पड़ते हैं आपको। कैपिटल, कैपिटल का इम्पैक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल हेड के अंडर आता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। मास्टर्स, मास्टर डेटा बना रही हूँ, क्या करना है, क्रिएट, क्रिएट पर आके एंटर कर दीजिए। अच्छा देखो इसमें कुछ वर्ड जो है ना वो हाईलाइट है, इट मीन्स अगर मैं सी भी प्रेस करूंगी ना तब भी मैं क्रिएट के अंदर चली जाऊंगी, अगर मैं ए प्रेस करूंगी तो मैं ऑल्टर के अंदर चली जाऊंगी। तो सी प्रेस कीजिए, अंदर चले गए, देखो अंदर जाने के लिए एंटर एंटर, अब इस स्क्रीन से अगर बाहर आना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, एस्केप प्रेस कीजिए, मैंने कीबोर्ड पे बताया था, एस्केप, देखिए बाहर आ गए। एंटर करेंगे तो जहां पर भी आपने सिलेक्ट किया होगा आप उसके अंदर चले जाएंगे, राइट? एस्केप करेंगे तो उससे बाहर आ जाएंगे। आपने क्या करना है, पहले लेजर क्रिएट करना है, तो आप एरो की से नीचे आइए, लेजर पर आइए, एंटर करिए, कौन सा लेजर, कैश टू कैपिटल, मैंने कहा कैश का ऑलरेडी बना होता, आपको सिर्फ कैपिटल बनाना है, कैपिटल बनाइए। जैसे आप एंटर करेंगे तो अंडर किसके अंडर आएगा बताइए, कैपिटल किसके अंडर आएगा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएंगी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखती हैं। जैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स दिखते हैं, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस दिखते हैं, डायरेक्ट इनकम दिखती है, आपको जो भी वहां बना रहे हो आप बताओगे कि किस हेड के अंडर आएगा, जिस हेड के अंडर चूज करोगे उसका इम्पैक्ट आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहीं पर दिखेगा। कैपिटल, कैपिटल के अंडर आएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, एंटर 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 करते सेव कर देना, बस बन गया लेजर, बस इतना काम करना है। एक और देखिए, आइए सेकंड एंट्री क्या है, डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में आपने डिपॉजिट किया, एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री, एक्सिस बैंक टू कैश, कितने,
15,000. अब एक्सिस कैश का तो ऑलरेडी लेजर बना होता है, आपको क्या बनाना है? एक्सिस बैंक का लेजर बनाना है। आ जाइए यहाँ पर, लिखिए एक्सिस बैंक। आपको पता है जैसे मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पर अलाइस ये पूछता है। अलाइस होता है मीन्स उस लेजर का कोई छोटा नाम है, जैसे घर में आपका नाम होता ना छोना मोना मम्मी बुलाती है, तो ऐसे ही किसी लेजर का छोटा नाम कोई रखना चाहते हो, मीन्स मैं ए प्रेस करूं तो कंप्लीट एक्सिस बैंक लिखा हुआ आ जाए। मीन्स जैसे आपका नाम वैसे बहुत लंबा है, जो फॉर्मल नेम है बहुत लंबा है जो सर्टिफिकेट्स पे, वैसे घर पे मैम आपको कुछ भी छोना मोना बुलाती, छोना बुलाएगी तो आप वही नाम वाला पर्सन जो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका छोटा नाम मैं ए लिख देती हूँ तो जैसे ही मैं कहीं भी ए लिखूंगी एक्सिस बैंक अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। तो लिख के देखते हैं, यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, एंटर करो। अच्छा मुझे बताओ एक्सिस बैंक कहाँ पर बैलेंस शीट में करंट एसेट में बैंक अकाउंट के में दिखाई देगा? तो यहाँ पर आप बी प्रेस कीजिए, सिर्फ यहाँ पर बी प्रेस कीजिए तो यहाँ पर बी से स्टार्ट होने वाले सारे हेड्स आपको नजर आएंगे। तो आपने किस में लेना है? बैंक अकाउंट, ओसीसी ओडी अकाउंट अभी करेंगे, आप अभी करिए बैंक अकाउंट। एंटर किया आपका, अब पूछेगा आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपने अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए यहाँ पर, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर दे दिया। अच्छा हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, मीन्स जैसे एक्सिस बैंक है वो ब्रांचेस तो उसके बहुत ज्यादा हैं। मैंने किस ब्रांच में अकाउंट ओपन किया है वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके IFSC कोड का, IFSC कोड से हम किसी भी ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हर ब्रांच का IFSC कोड सेपरेट होगा। तो मैंने अपनी ब्रांच का IFSC कोड डाल दिया, वो बताएगा रॉन्ग है, मीन्स मैं अपने से बता रही हूँ। ऐसे ही एक स्विफ्ट कोड होता है, ये भी जब हम एक अमाउंट ट्रांसफर होती है वो स्विफ्ट कोड, ये इतना हम नहीं अभी यूज करते, ठीक है इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। बस कौन सी ब्रांच है अगर लिखना है आप लिख सकते हो, चेकबुक अभी आप इन फीचर्स को बाकी सारे फीचर्स को नो कर देंगे। एंटर एंटर करते आप आ जाइए बाहर, आपका ये लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपने दो लेजर्स क्रिएट किए, एक एक्सिस बैंक किया है और एक अपने कैपिटल अकाउंट किया है। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? नेक्स्ट एंट्री है आपने फर्नीचर को बाय किया। एंट्री क्या होगी? फर्नीचर आपके पास आएगा टू कैश, कैश ऑलरेडी बना होता है, आपको फर्नीचर का लेजर बनाना है। आ जाइए, अब मैं आपको यहाँ पर भी बना के दिखाऊंगी। अब आप वापस आइए, पहले जो दो एंट्रीज है ना उसको करके देखते हैं। आप इससे बाहर आ जाइए, एस्केप 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 करके मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ गई। अब आप जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री जो ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है कहाँ पर आके करेंगे? वाउचर्स में। तो वी प्रेस करिए तो आप वाउचर्स के अंदर चले जाओगे, वाउचर्स में आगे। अगर आप राइट हैंड कॉर्नर पर देखोगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट जर्नल सेल परचेज, ये सारे वाउचर हैं। ये है क्या? देखो आपकी ट्रांजेक्शन का टाइप जैसा होगा उसी नेचर के वाउचर में उसको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पैसा इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, अब मेरी ट्रांजेक्शन की टाइप क्या है? मेरे बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है, सोचना है, मींस मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो रिसीट वाउचर में जाएगा। अगर मैंने किसी को पैसा दिया तो पेमेंट हो रही है तो किस वाउचर में जाएगा? पेमेंट वाउचर में। अगर मैं पैसा जो है वो अपने यहाँ से निकाल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती हूँ, बिजनेस से निकाला बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्या मैंने किसी को पेमेंट की? क्या मेरे पास पैसा आया? मींस ना तो मेरा पैसा इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो जो एंट्री जाती है कहाँ पर जाती है? कॉन्ट्रा। अगर मैं जिन गुड्स में डील कर रही हूँ जिसमें मेरा बिजनेस है, मींस मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करती हूँ, तो अगर मैं उन गुड्स को बाय करती हूँ तो परचेज वाउचर, अगर उन गुड्स को सेल करती हूँ तो सेल्स वाउचर, राइट? अब मैंने फर्नीचर बाय किया था, अभी आपने एंट्री देखी, फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर टू कैश, तो क्या हो रहा है? ये परचेज नहीं है क्योंकि फर्नीचर बाय करना मेरा बिजनेस नहीं है, तो आप परचेज वाउचर में नहीं डालोगे।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं फर्नीचर बाय कर रही हूँ तो पैसा जा रहा है, तो आप किस वाउचर में डाल सकते हो? पेमेंट वाउचर में उसको डाल सकते हो। बात ये आती है कि अगर फर्नीचर मैंने क्रेडिट पर बाय किया होता तो फर्नीचर टू उस पार्टी का नाम, तो परचेज में तो डाल नहीं सकती क्योंकि परचेज सेल है नहीं मेरी, पेमेंट हो नहीं रही, तो फिर कहां पर जाएगा? फिर वो एंट्री जर्नल में जाएगी। तो जर्नल एक ऐसी वाउचर टाइप है जिसमें जितनी भी नॉन कैश आइटम्स हैं या जो मेरे बिजनेस सेल परचेज मेरी नहीं है, वो हम कहां पर डाल देते हैं? जर्नल में। जैसे मेरे फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, अब डेप्रिसिएशन में क्या कोई एक्चुअल कैश फ्लो होता है? नहीं, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स लिखते हो। अब वो ना तो उसका नेचर परचेज का है, ना सेल्स का है, ना रसीद है, ना पेमेंट है, ना कॉन्ट्रा, तो कहां चली जाएगी वो एंट्री? जर्नल में। तो ऐसे जैसी आपकी ट्रांजेक्शन की टाइप है, उस नेचर के वाउचर में आपने, उस टाइप के वाउचर में आपने उसने डाल देना। आपको क्या एक ही टाइप में क्यों नहीं डाल देते हो, ऐसे अलग अलग क्यों बनाया हुआ है? जब आप स्टडी करते हो तो आप टैक्सेशन की बुक अलग रखते हो, आप अकाउंट्स का रजिस्टर अलग बनाते हो, क्यों ऐसा बनाते हो? एक भी रजिस्टर में सब कुछ क्यों नहीं लिख देते? क्योंकि बाद में आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करना है ना, तो बहुत डिफिकल्ट होगा जब आपके उसी सेम सब्जेक्ट के चार चार कॉपीज भर जाएंगे। अगर एक ही कॉपी में सब कुछ लिखोगे तो कोई कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना पड़े तो आप उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रीजन है कि हर ट्रांजेक्शन की जैसी नेचर होती है वैसी ही टाइप के वाउचर में हम एंट्री कर देते हैं। चलिए अब ये आगे वाउचर। पहली एंट्री मेरी क्या थी, मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा था कैश टू कैपिटल। तो उसका देखो ट्रांजेक्शन का नेचर क्या था, हम पैसा रिसीव कर रहे थे, तो आपको रिसीट वाउचर, आपको दिख रहा है कि इनके सामने कुछ फंक्शन की है, जैसे F2, F3, F4, F5, F6, F7, F2 से आप इस वाउचर की डेट को चेंज कर सकते हो, राइट? F6 प्रेस करूंगी तो रिसीट का वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो F6 फंक्शन की है, F6 प्रेस करो। जैसे ही आपने F6 फंक्शन की प्रेस की तो देखिए यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ पर मेरा टू और बाय नजर आना चाहिए। अगर आपका आ रहा है तो गुड, अगर नहीं आ रहा तो इस वाउचर में टू बाय आप कैसे लेके आओगे? तो देखिए यहाँ पर चेंज मोड होता है, एक ऑप्शन होती है चेंज मोड, इसके सामने एच लिखा हुआ है पर एच के नीचे डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब कि आप एच को वैसे ही नहीं प्रेस करोगे, आप एच को कंट्रोल की के साथ प्रेस करोगे, तो कंट्रोल एच करिए, देखिए क्या इम्पैक्ट आता है। जो मेरा वाउचर ने पीछे खुला हुआ था ना, वो सिंगल एंट्री मोड में खुला हुआ था, अभी हमें डबल एंट्री मोड में जो है एंट्रीज करनी है, तो यहाँ पर आप डबल एंट्री कर दीजिए और एंटर करिए, तो आप देखिए यहाँ पर आपको टू बाय नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। टू, अब टू क्या होगा, टू कैपिटल मैंने बनाया था ना, या अगर आपने ये बनाया हुआ है लेजर तो नजर आएगा, नहीं बनाया तो यहाँ नहीं नजर आएगा, तो टू क्या होगा, कैपिटल, एंटर। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए आप 1 लाख की कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1 लाख मैं यहाँ पर डाल दूंगी, एंट्री कर दूंगी, एंटर। अब यहाँ पर मेरे यहाँ पर टू ही आ रहा है, मुझे यहाँ पर बाय करना है तो मैं बी प्रेस करूंगी, एंटर करूंगी तो बाय आ जाएगा, बाय कैश, कैश इन्वेस्ट हो गया कितना, 1 लाख। आप 1 लाख लिख लीजिए तो ये एंट्री आपकी हो गई, आप हो गया टू कैपिटल बाय कैश, 1 लाख आपकी कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है। और किस डेट में, मैं ये 1 अप्रैल में ही ये एंट्री कर रही हूँ। अगर आपको डेट चेंज करनी हो तो F2 करिए, करिए F2 मेरे साथ प्रेस, देखो 2 अप्रैल आ जाएगा, लेकिन मुझे 1 अप्रैल में भी करनी है, मैं 1/4 लिखूंगी, देखिए वहां 1 अप्रैल आ गया, एंटर, एंटर, आपकी ये एंट्री हो गई, बस इतना ही काम करना है। पहले वो कैपिटल का लेजर क्रिएट किया था मास्टर में जाके, फिर आपने एंट्री पास की। सेकेंड एंट्री आपकी क्या थी, आपने एक्सिस बैंक में कुछ डिपॉजिट कर रखा है, एक्सिस बैंक में आपने जब डिपॉजिट किया है तो एंट्री बताइए, क्या पैसा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, नहीं, तो किस टाइप के वाउचर में जाएगा, कॉन्ट्रा में, तो F4 प्रेस कीजिए मेरे साथ।
देखिए वहां पर कॉन्ट्रा आ गया, टू टू क्या होगा, कैश जाएगा, कितना कैश है 15,000, तो 15,000 यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, एंटर बाय, देखो अभी कर्सर आपका बाय पर है, आप एंटर करके आगे आइए, जैसे ही आगे आएंगे तो देखो एक्सेस भी नजर आ रहा है उसका और शॉर्ट नेम भी आ रहा है, मैं ए भी प्रेस करूंगी, देखो ए भी प्रेस करूंगी तब भी यहाँ पर पूरा एक्सिस बैंक लिखा आएगा, तो 15,000 आपने डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद ये बॉक्स जो आ रहा है अभी फिल नहीं करेंगे, आप इसमें एंटर एंटर करके बाहर आ जाइए, जो शॉर्टकट लिखिए कंट्रोल प्लस ए, क्या है मींस आपको इसको एज इट इज सेव करना है इस बॉक्स को, तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, सेव हो गया, नीचे आ जाएगा आपका कर्सर। नरेशन, नरेशन लिखते थे, नरेशन लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एंटर एंटर, ये एंट्री भी होगी। अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, आपने ऑफिस फर्नीचर बाय किया है तो फर्नीचर टू कैश, तो पेमेंट हो रही है, आइए तो पेमेंट के लिए आपका की क्या है, F5 प्रेस कीजिए मेरे साथ, प्रेस कर लिया, पेमेंट का वाउचर ओपन हो गया है। अगर किसी का बाय और टू नहीं आ रहा ना, कंट्रोल H प्रेस कीजिए, डबल एंट्री मोड सिलेक्ट कीजिए, अपने आप बाय टू आएगा। चलिए पेमेंट करनी है, एंट्री क्या है, फर्नीचर टू कैश। अब देखो फर्नीचर यहाँ आ ही नहीं रहा क्योंकि वहां मैंने क्रिएट नहीं किया था। अब आप कहोगे कि मैम क्या वापस जाना पड़ेगा वहां क्रिएट करने, नहीं, आप जब एंट्री कर रहे हो ना उसी टाइम भी आप जो है लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहाँ क्रिएट पर जाओ, एंटर करो, हो जाएगा, जब शॉर्टकट लिखो ऑल्ट, ऑल्ट की बताई थी ना, ALT यहाँ लिखा होगा, ऑल्ट प्रेस करके रखना, सी प्रेस करना, देखो आपका कर्सर लेकिन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर ऑल्ट सी करिए, ऑल्ट सी, देखिए ये वही वाला स्क्रीन नजर आ गया ना जो लेजर क्रिएट करते थे हम। कौन सा लेजर क्रिएट करना है आपने, फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख लीजिए आप, एंटर एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, फर्नीचर क्या है आपका, किस हेड के अंडर आएगा, फिक्स्ड एसेट, F प्रेस करेंगे तो अपने आप फिक्स्ड एसेट्स आ गया, बस उसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और बाहर। अगर आपको एंटर एंटर करते आगे आना है तो शॉर्टकट क्या बताया, बस आपको एज इट इज सेव करना है तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ए। चलिए देखिए शॉर्टकट साथ में याद करेंगे तो आपको टैली को करना या टैली में एंट्री पास करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ऑल्ट प्लस सी करवाया था उस लेजर को क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल प्लस ए कराया किसी बॉक्स को एज इट इज सेव करने के लिए। फर्नीचर कितने का है आपका, देखिए 3,000, कितने का है 3,000, एंट्री कर दी, एंटर किए, टू पर आ रहा है कर्सर, आगे आना है आपने, क्या डालना है, कैश, आप सी प्रेस करेंगे तो सी से हाईलाइट हो जाएंगे जो भी लेजर होंगे, एंटर करिए 3,000, एंटर एंटर एंटर, ये एंट्री भी मेरी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, आपने परचेज किया है गुड्स मिस्टर एक्स क्रेडिट पर, एंट्री बताइए क्या होगी, परचेज किया है आपने गुड्स मिस्टर एक्स से, क्या एंट्री होगी बताओ, परचेज, हाँ बिल्कुल ठीक, आगे टू एक्स, ओके बताइए एक्स किसके अंडर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, वेरी गुड। परचेज किस हेड के अंडर आता है, हेड वो जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको ये दो लेजर अभी तो क्रिएट नहीं किए, अब ये एंट्री आएगी किस वाउचर में, परचेज में, क्योंकि ये मेरा बिजनेस का ही, मैं गुड्स बाय कर रही हूँ, तो F9 प्रेस कीजिए। आपको अगर ऐसे नजर आ रहा है टू बाय में करना है, कंट्रोल H मोड चेंज करना है, कंट्रोल H प्रेस कीजिए, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में नजर आ रहा है, इनवॉइस में एंट्री करेंगे अभी नहीं, अभी आप एज वाउचर करिए इसको, एरो की से नीचे आइए, देखिए ऊपर नीचे एरो की से आ सकते हैं, एंटर कर दीजिए, अब आपको यहाँ पर टू और बाय नजर आएगा। सप्लायर इनवॉइस नेम, सप्लायर ने एक अपना बिल भेजा होगा ना, उस बिल का जो भी नंबर होगा वो वहां डालना है, मान लीजिए मेरे बिल का नंबर है 555, किस डेट में इशू किया था वो डेट आपने यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर क्या आएगा, आपने बाय किया है परचेज टू एक्स, टू एक्स, एक्स तो यहाँ पर लेजर है ही नहीं,
क्योंकि मैंने अभी क्रिएट, एक बार तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने एक्सिस बैंक एक बार क्रिएट कर दिया, अब दोबारा एक्सिस बैंक में अगर पैसा जमा करवाऊंगी, डिपॉजिट करवाऊंगी, तो दोबारा एक्सिस बैंक नहीं बनाना पड़ेगा। मीन्स एक बार तो आपको टैली को बताना पड़ता है कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरे क्रेडिटर्स ये हैं, मेरे डेटर्स ये हैं। बाकी बस फिर आप ट्रांजेक्शन करते जाओ और जनरल एंट्री पास करते जाओ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक्स मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, शॉर्टकट बताओ, ऑल्ट प्लस सी, यस। एक्स लिमिटेड किस हेड के अंडर आएगा बताइए, किस हेड के अंडर आएगा, जहाँ बहुत सारे हेड हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका हेड प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे, तो हेड को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह दे देंगे, अभी मैं कुछ नहीं दे रही, आप एंटर एंटर करते बाहर आ जाएंगे। फिर आपको कुछ ये ऑप्शंस दिखाएगा, इसमें अभी कोई चेंज नहीं करना, आपको बस कंट्रोल ए दो बार करना है बस। एक्स लिमिटेड आ गया आपका, ओके। एक्स लिमिटेड से आपने कितना परचेज किया, 25,000। आपको पता हो सकता है कि एक्स लिमिटेड आपने बनाया और आपसे गलत बन गया, आपने डेटर्स में उसको डाल दिया। चेंज कैसे करेंगे, आप बैकस्पेस से वापस आइए, यहाँ पर जैसे मैंने एक्स लिमिटेड नहीं लिख के एलआईडी लिख दिया, यार लिमिटेड लिखना था, अब कैसे चेंज करूं, बैकस्पेस से वापस आइए, कंट्रोल एंटर किया तो ये आपके ऑल्टरेशन मोड में चला जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया था, क्या मिस्टेक की थी, एक्स एलआईडी किया कर दिया था, तो आप यहाँ पर एरो की से आगे पीछे आइए, इसको टीडी कर दीजिए बस, बाकी एंटर करने की जरूरत नहीं, बाकी आपको लगता है सब ठीक है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिए, आ गया ना बाहर वही वाला, ये रिसीट, इस पे भी कंट्रोल ए कीजिए, इस पे भी कंट्रोल, आ गया, हो गया ठीक। एक्स लिमिटेड आपने इसे 25,000 की परचेज की है, तो बाय परचेज यहाँ नहीं है लेजर, क्रिएट करना पड़ेगा, या तो वही क्रिएट पर एंटर कर दो या ऑल्ट सी कर दो। परचेज का एक लेजर बनाइए, परचेज किस हेड के अंडर आएगा, परचेज के अंडर ही आएगा, पी प्रेस कीजिए, आ गया परचेज अकाउंट, एंटर। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ये जब जीएसटी करेंगे तब इसको सीखेंगे, बस कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, आ गया, ये आपकी एंट्री होगी, टू एक्स लिमिटेड बाय परचेज, एंटर एंटर एंटर, हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने कैश पर सेल किया है 2500, मुझे बताइए किस आपके टाइप में जाएगा, सेल्स में, चलिए F8 करिए। अब आप देखिए यहाँ 2 by नहीं आ रहा, याद है कैसे मोड चेंज करना है, कैसे करना है, हाँ जी कंट्रोल H, क्या करेंगे, एज वाउचर, वेरी गुड। एंट्री क्या होगी, आपने सेल की है कैश में, तो आपका एंट्री क्या होगा, कैश टू सेल्स, तो कैश मेरे पास आएगा, यहाँ पर जो भी आ रहा है, ये आपके डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना जब सेल करते, डिलीवरी नोट उसकी है, ये हम आगे वाली क्लासेस में समझेंगे, अभी आप कंट्रोल ही करते जाएंगे। 2500 का हमने सेल किया, अब सेल्स का तो लेजर क्रिएट नहीं किया, अब क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट करिए। सेल आएगा किसके अंडर, सेल के अंडर, एस प्रेस कीजिए, तो सेल्स में आ जाइए, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए कर दीजिए, आपकी एंट्री हो गई, एंटर एंटर एंटर, दैट्स इट, ये एंट्री हो गई। अब आपकी एक लास्ट एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री होगी, अब वाई लिमिटेड से पैसा तो आ नहीं रहा, तो कैश टू सेल नहीं लिख सकती, वाई लिमिटेड क्योंकि वो मेरा डेटर है, वाई लिमिटेड डेबिट टू सेल्स, ये आपने एंट्री करनी है, आएगी तो सेल वाउचर में ही, लेकिन अब बाय कैश नहीं होगा, वाई लिमिटेड होगा, पर वाई लिमिटेड का लेजर अभी तक मैंने नहीं बनाया, कैसे बनाएंगे, ऑल्ट सी करके, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड क्या होगा, मेरा डेटर सन्ड्री डेटर, एस प्रेस कीजिए, देखिए आ गया सन्ड्री डेटर, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, फिर ये आते हैं, आप कंट्रोल ए, दैट्स इट। अच्छा बताइए कितनी सेल की है वाई लिमिटेड को, 3000 की,
एंटर करिए टू सेल। अब आपको सेल का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, ओनली वन टाइम बनाना पड़ता है। तो सेल 3000 एंटर एंटर एंटर, ये सारी एंट्रीज मेरी हो गई। अब इससे बाहर आइए, कैसे? एस्केप एस्केप। अब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने जितनी एंट्रीज देखनी है, अगर देखना चाहते हो तो कहाँ से देख सकते हो? डे बुक। डे बुक पर आ जाइए, जब के प्रेस कीजिए, क्योंकि हाईलाइट लेटर क्या है? के। आपने यही तो करी है एंट्रीज, अगर किसी एंट्री को चेंज करना है ना, तो यहीं पर आके आप उस पर एंटर करिए, आप उस एंट्री के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं आप। एस्केप करिए तो बाहर आ जाएंगे। एस्केप। बैलेंस शीट देखना है, पी एंड एल देखना है। देखिए पी एंड एल, आपने परचेज की थी 25,000, सेल इतने की, आपको लॉस हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक, तो अरे मैंने स्टॉक मेंटेन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे लेंगे यहाँ पर? जब आप स्टॉक मेंटेन नहीं करते ना, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको खुद मैन्युअली डालना पड़ता है। तो अब मैं आपको एंट्री बताती हूँ कि यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे डालेंगे। आइए मेरे साथ बाहर आ जाइए, इसी गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट पर जाइए। आप लेजर पर आएंगे तो यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे, स्टॉक इन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बनाइए। देखिए मैन्युअली अगर स्टॉक वहां डालना हो तो कैसे डालते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक किस हेड के अंडर आता है? स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक इन हैंड ले लीजिए, अपने आप वो ग्रुप आ जाएगा, और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर, इतना काम करना है। उसकी एंट्री नहीं होती, जर्नल एंट्री नहीं होगी। आप अपने पी एंड एल पर ही आइए, पी प्रेस किया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हो गया। क्या क्लोजिंग स्टॉक अभी भी ले रहा है? नहीं, मैं कहती हूँ कि मैंने 25,000 जो है वो मैंने बाय किया था, उसमें सिर्फ 2,000 का ही प्रोडक्ट मैंने सेल किया, जो इतने में सेल किया। तो 2,000 का ही अगर प्रोडक्ट सेल किया है, तो अभी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 23,000। वो कैसे डालना है? आपने ये वाला हेड बनाया, अब इस पर आइए, एंटर प्रेस करिए, एंटर एंटर करते जाइए बस। जब आप एंटर एंटर करते जाएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, एंटर एंटर एंटर। क्या उसका कोई ओपनिंग बैलेंस था? जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आज डेट क्या है? आज डेट भी 1 अप्रैल है, आपने 1 अप्रैल डाल दिया। आज 1 अप्रैल में, आज के दिन के लास्ट में मेरे पास जो स्टॉक बचा है वो 23,000। बस एंटर एंटर एंटर। अब बैक जाइए एस्केप करके। अब देखिए आप 25,000 का आपने बाय किया था, जिसमें से 2,000 का आपने इतने में सेल कर दिया। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कैसे मैन्युअली डालना है? पहले क्लोजिंग स्टॉक का एक लेजर बनाइए, पी एंड एल में आइए, क्लोजिंग स्टॉक पर आइए, एंटर करते हुए आप इसमें इसका अमाउंट मैन्युअली डाल दीजिए, आपका पी एंड एल नजर आ जाएगा। देखो जितनी आपने परचेज की थी, परचेज हेड में अंडर आ रही है, जितनी आपने सेल की थी, सेल्स हेड के अंडर आ रही है। आप शॉर्टकट देखिए, ऑल्ट प्लस F5 फंक्शन की होती है F5। इससे क्या होता है कि जो आपकी रिपोर्ट है ना, वो डिटेल्ड फॉर्म में नजर आती है, ऐसे डिटेल फॉर्म। सेल के अंडर सेल्स लेजर बनाया था, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक बनाया था, ये डिटेल्ड फॉर्म में नजर आएगी। एस्केप कीजिए, बैलेंस शीट देखिए, इसको भी डिटेल फॉर्म में देखना है ना। पहले मैंने कैपिटल, देखो कैपिटल इन्वेस्ट की थी, 1 लाख आ रही है, इसको डिटेल फॉर्म कैसे देखना है? ऑल्ट बोलिए बोलिए F5। देखिए आपके करंट एसेट्स में क्या आ रहा है? आपका क्लोजिंग स्टॉक, आपके सन्ड्री डेटर, आपका कैश इन हैंड, आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट में आइए, एंटर करिए, आ गया ना एक्सिस बैंक। एक बार आप उसको बताएंगे कि एक्सिस बैंक का जो हेड है वो क्या है, क्या बताया था? बैंक। बैंक अकाउंट अपने आप किसके अंडर आ गया? करंट एसेट्स। मैंने सिर्फ इसमें क्या पास किया? जर्नल एंट्री। अब देखिए रिमेनिंग वर्क सारे का सारा किसने कर दिया? टैली में। तो बहुत ही जबरदस्त है, आपको सिर्फ किस पर ध्यान देना है? एक ट्रांजेक्शन को ढंग से रिकॉर्ड करने में, बाकी सारा काम, बाकी सारी स्टेटमेंट और रिपोर्ट जो है वो अपने आप ये जनरेट कर देगा। तो देखिए ये जनरेट कर दिया आपको, ये जो आपने एक्सपैंड किया है
इस फॉर्म को हटाना है, ऑल्ट एफ फाइव किया था, अब आप ऑल्ट एफ बंद कीजिए, देखिए कंडेंस्ड फॉर्म आ जाएगी। शॉर्टकट्स बता रही हूँ आपको साथ साथ में, ऑल्ट एफ फाइव आप जो है वो आप डिटेल्ड फॉर्म में करना चाहते हो तो करते हो, ऑल्ट एफ वन करते हो तो कंडेंस्ड फॉर्म में करना चाहते हो तो आपने प्रेस करना। ऐसे ही आप देखो कोई लेजर अगर आपने देखना है तो लेजर के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मेरे साथ, अकाउंट्स बुक में आइए, यहाँ पर एरो की से नीचे नीचे आते जाइए। किसी लेजर को आपने चेक करना है तो देखिए यहाँ पर लेजर है, कौन से लेजर को आप चेक करना चाहते हो, मान लो आप कैश के लेजर को चेक करना चाहते हो, कैश देखो जी सारा बताएगा, ये कैश का डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ और नीचे कितना क्लोजिंग बैलेंस है, ये सारा लेजर्स आपको दिखाई देगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप अकाउंट्स बुक में लेजर किसी भी लेजर को देख सकते हो, तो सारे लेजर्स बन गए आपके, राइट, आपकी बैलेंस शीट बन गई, आपका पी एंड एल बन गया, ये सब कुछ आपको वहां पर दिखाई देता है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आके आप अपना ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हो, ये है आपका ट्रायल बैलेंस, ऐसे बनाते थे तो ये सारा काम तो टैली ने करके दे दिया। तो देखिए इसमें जब हम एंट्री करते हैं ना तो ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें हेड को चूज करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम धीरे 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 जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं जो हमने टैली में करने हैं, हमने क्या क्या टैली में सीखना है आइए मैं आपको बताती हूँ। ये सारे फीचर्स हम टैली में सीखेंगे, स्टैट्यूटरी, आपके पेरोल के रिगार्डिंग, स्टॉक के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, फिर उसके बाद हम बैंक रिकंसिलेशन करना सीखेंगे, जीएसटी का कंप्लीट स्टडी करेंगे, कुछ ऑडिट टूल्स, ऑडिटिंग कैसे टैली में होती है वो भी हम सीखेंगे। मैं जब भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगी मैं उससे पहले आपको थ्रेटिकली वो समझाऊंगी, आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह किया है नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें जो है वो स्क्रैच से बताऊंगी ताकि आप जब उसको एंट्री करो आप कंफर्टेबल फील करो। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे कि आप जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करोगे, ठीक है। तो आज इतना ही आपके टैली के रिगार्डिंग, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बच्चे।